जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल उत्तराखंड की राजनीति थोड़ी रोचक हो गई है। पिछले कुछ सालों से देश भर में उत्तराखंड की राजनीति को लोग जानने लगे हैं और 2022 के विधानसभा के बाद उत्तराखंड के दोनों ही दिग्गज राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस में फेरबदल जारी है। कांग्रेस में फेरबदल के बाद बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष बदलने की खबर सामने आई थी, जहां मदन कौशिक की जगह अब महेंद्र भट्ट उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। लेकिन खबरों से कुछ ऐसा पता चल रहा है कि भाजपा उत्तराखंड में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। खबर है कि प्रदेश अध्यक्ष के बदलने के बाद प्रदेश संगठन में भी बड़ा बदलाव किया जा सकता है। संगठन में कई नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। बीजेपी की वर्तमान टीम में 6 प्रदेश उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 1 प्रदेश कोषाध्यक्ष, 8 प्रदेश महामंत्री, 1 कार्यालय सचिव, 10 प्रदेश प्रवक्ता, अनुशासन समिति के 1 अध्यक्ष और 1-1 प्रदेश मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी सेल के प्रभारी और सह प्रभारी शामिल हैं। बीजेपी की प्रदेश टीम में वर्तमान में प्रदेश में महामंत्री संगठन का जिम्मा अजय कुमार के पास है और इनका इस पद पर बने रहना या हटने का फैसला सीधे सीधे केंद्रीय संगठन के स्तर पर होना है। अब बात करें अगर मीडिया की, तो बीजेपी की मीडिया से जुड़ी टीम में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रवक्ता के तौर पर कुछ तेज तर्रार चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। पार्टी के युवा मोर्चा में भी बदलाव की संभावना है। इसके अलावा किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित जाति और जनजाति और अल्पसंख्यक मोर्चे में भी फेरबदल किए जाने की उम्मीद है, ताकि 2024 से पहले संगठन में कुछ नया आ सके। वहीं देहरादून के साथ 13 और जिलों के ऊपर पार्टी के आला पदाधिकारियों की नजर है और पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का भी यही कहना था कि जरूरत के मुताबिक पार्टी में बदलाव किया जाने वाला है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि कितने पदाधिकारियों को अपना पद छोड़ना पड़ेगा और कितने नए चेहरे पार्टी की कमान संभालेंगे। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।